तो अगर वन मैन ही वो जब वो बेदार हुआ जब वो जागा तो ही ऐसे लगा कि वो सोया हुआ था he found in bed. उसने खुद को बिस्तर पर पाया and was there. जो था वो वहीं था, स्टूपिंग ओवर ही क्या है उस पर झुक कर मुस्करा रहा था वेर यू ओल्ड रफियन पूरा बदमाश ना हो तो फीलिंग ऑल राइट हाँ भी ठीक हो ना देव अस आपने तो हमें डरा दिया चिप्स मर मर चिप बुटबुड़ाया आफ्टर पॉज तवकफ़ के बाद तो के बाद थोड़े से वक्फे के बाद वो बुटबुड़ाया एंड इन वॉइस दैट सरप्राइज हिम बाय इट्स वीकनेस और जो जब उसने बात की तो वो अपनी कमजोरी की वजह से वो जो उसकी आवाज़ निकली उसने उसे चौंका दिया वाई वॉट वॉट हैज हैपन क्यों क्या हुआ क्या हुआ मेयरली दैट यू फिथ फ्रेंड कुछ भी नहीं बस आप भी हो गए थे मिस इज विकेट के एमिन मिस विकेट आई अंतर आई फाउंड यू लकी डिड और तुम्हें इस हालत में पाया कुछ किस्मती है तुम्हारी कि वो आ गई यू आर ऑल राइट नाव अब ठीक ठाक हो टेक इट इजी परेशान नहीं होना स्लीप अगेन इफ यू फील इन क्लाइन अगर तुम बेहतर महसूस करते हो तो दोबारा सो सकते हो दोबारा सो जाओ यू वॉज ग्लैड गुड आइडिया वॉज ग्रेट वो खुश था कि किसी ने सो वन गुड आइडिया इतना अच्छा मशुरा दिया था वीक so वो इतनी थकावट इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था बिजनेस क्या है वो इतना कमजोरी महसूस कर रहा था कि वो मामले की तफसीलात में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था हाउ दे हेड गॉट हिम अपर किस तरह में, कि तब, सब, तब में जाकर परेशान नहीं होना चाहता था हाउ किस तरह वो उसे ये ऊपर लाए सीढ़ियों से ऊपर लाए व्हाट मिसेस विकेट मिसेस विकेट ने क्या कहा था और किस, इस की, so on, इस की और किस एंड इस बहुत सी बातें बट सडनली अचानक आउट अदर साइड ऑफ द बिस्तर की दूसरी जानी हिस्सा देखा वाज स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी thought, उसने सोचा माय सोल खुदा भला करे व्हाट्स

1929 यानी कि वो आ, उसे नया समझता समझता था लेकिन अगर अगरचे वो गच्चे के वो उन्नीस से ग्रुप में था और बूढ़े बटलर को देखो बफल्स को देखा कॉमनली कार्ट रॉडी जिसे क्या है आ, जिसे आमतौर पर रॉडी कहा जाता था फनी द वे देअर और हेयर अदीब बात थी कि इस तरह वो सब यहाँ मौजूद थे ही फेल्ट एंड हाउ उसने महसूस किया कॉन्ट बी बॉर्डर टू वंडर मुझे क्या है सोचकर फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं वाई अबाउट एनी थिंग आई एम गोइंग टू गो टू स्लीपै क्या है दोबारा सोने लगा हूं बट इट वॉज नॉट स्लीप लेकिन ये नींद ना थी एंड इट वॉज नॉट क्वाइट विकफुलनेस और ना ही ये मुकम्मल तौर पर बेदारी थी जागना था इट वॉज अट ऑफ इन बिटवीन स्टेट ये क्या है इसके दरमियान की इन दोनों कि कोई दरमिया हालत थी फुल ऑफ ड्रीम्स ख्वाबों से भरपूर एंड फेसिस चेहरों से वॉइस आवाजों से भरपूर ओड सी पुराने मनाजिर, पुराने मंजर और पुरानी धुने टाइप्स ऑफ ट्यून पुरानी धुनों के टुकड़े मोज की धुन दैट कैथी हेड वंस प्लेड जो चोके एक मरतबा कैथी ने जिसमें हिस्सा लिया था चीयर्स एंड लाफ्टर

लड़के से कहती है कि उससे शादी करे यस यू कैन यू लायर और वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो वो कहेगी तुम्हें तुम झूठ बोलते हो जोक मी टू अब ये तमाम ये स्क्रैप्स थे टुकड़े थे जो कि उसे याद आए मी टू बी आई भारड वो दोस्त वो गोश्त जो के मक्रू था जोक दैट यू मैक्स यस कमिंग वाट्स द न्यूज फ्राम फादरलैंड ओ मे बी एटिन कोटेशन है रास्टन

क्या उसने शादी की कैसा था और डिड ही आई नेवर न्यू अबाउट मुझे तो मुझे इसकी खबर नहीं थी कभी पता नहीं चला शी डाइट इट मस्ट है तीस साल पहले वो मर गई थी मोर मोर पॉसिबली इससे भी ज्यादा कर मुमकिन है पीटी पीटी ही नेवर हैड एनी चिल्ड्रन अफसोस है दुख है कि इसके कभी बच्चे नहीं थे एंड एट दैट चिप्स ओपन दिजाइज उसने इस बात पर अपनी आंखें खोली एज वाइड एज इतनी आंखें खोली जितनी कि वो खोल सकता था एंड साउट एंड सूट सॉरी एंड सूट सूट टू अटैक देयर देअेंशन और उनकी तवज्जो और अपनी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउड उसके लिए ऊंचा बोलना बहुत मुश्किल था बट मैनिज टू समथिंग उसने कुछ बुरबुराने की कोशिश की एंड दे ऑल लुक ट्राउन एंड उसके करीब आ गए उसके पास आ गए. उसने कोशिश की सोरी आदि अल्फाज अदा करने की वॉट वॉज दैट तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे Smiled, वो मुस्कुराया और कहा नथिंग ऑल चिप्स चिप्स किसी न कोई बात नहीं है नथिंग ऑल बिल्कुल कोई बात नहीं जस्ट हम सिर्फ सोच रहे थे व्हेन यू वर गोइंग टू वेक आउट ऑफ योर ब्यूटी आप इतनी गहरी नींद से इतनी मीठी नींद से कब जागेंगे जब कब बेदार होंगे बट आई हर्ड यू लेकिन मैंने सुना तुम्हें यू वर टॉकिंग अबाउट मी तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे किसी किस्म की कोई खास बात नहीं है एब्सोल्युटली वाकई कोई खास अहमियत की कोई खास बात नहीं है रियली आई गिव यू माई वर्ड्स मैं कसम उठाकर कहता हूं आई गिव यू माई वर्ड्स का मतलब क्या है मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि किसी किस्म की कोई बात नहीं है मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूँ मैं तुम्हें हेल्पफन कहता हूँ गिव यू माई वर्ड्स आई थॉट आई हर्ड यू वन ऑफ यू मेरा ख्याल है कि मैंने सुना तुम्हें से क्यों एक कह रहा था सिंग इट वॉज अ पीटी बड़े अफसोस की बात है आई पीटी आई नेवर हैड एनी चिल्ड्रन के मेरे बच्चे नहीं थे बट आई हैव यू नो आई हैव तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं अदर स्माइल्ड विदाउट आंसरिंग दूसरे लोग जो थे वो वो कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुरा दिए एंड डॉक्टर

उसने जो से कहा मेरी मैरीमैन थाउजेंड्स ऑफ बॉयज मेरे बच्चे हैं और मेरे हजारों बच्चे हैं और तमाम लड़के हैं तमाम लड़के हैं मेरे बच्चे हैं फिर एंड द कोरस सेंग इन और फिर क्या है कोरस uh, इकट्ठे मिलके गाना धुने जो थी गानों की उसकी गानों इसकी कानों में गूंजने लगी द फाइनल हार्मनी क्या है हतमी धुन की सूरत में आखिरी धुन की सूरत में मोर ग्रैंडली ज्यादा शानदार अंदाज में मोर स्वीटली ज्यादा शीरी अंदाज में शीरी अंदाज में देन यू है शीरी अंदाज से जिन्हें किसने पहले कभी नहीं सुना था एंड मोर कम्फर्टिंग रि तो और क्या कम्फर्टिंग रि तू और क्या है और ज्यादा ज्यादा फरहत बख्श ज्यादा राहत बख्श ज्यादा दे, ज्यादा खुशी के अंदाज में पेटिफर पॉलिट पॉर्सन पॉट्स पुलमिल्सन रेडलिट, रेपसन रेट रेपर रेडी कम कमराउंड मी नाव मेरे इर्द गिर्द आ जाओ मेरे मेरे इर्द गिर्द आ जाओ फॉर लास्ट वर्ड एंड अ जो मेरी आखिरी मजाक सुनने के लिए और मेरी आखिरी बात सुनने के लिए लास्ट जोक डिड यू हेयर क्या तुमने मेरा आखिरी मजाक सुना डिट मेक यू लाफ क्या तुम्हें उस पर हंसी आई बोन बॉस्टन बॉबी ब्रेडफोर्ड ब्रेडफोर्ड ब्रेडले ब्रामोल एंडरसन वेयर एवर यू आर वेयर एवर कहा हो तुम सब वेयर एवर यू आर कहाँ हो तुम जहां कहीं भी हो एंड वेयर एवर यू आर तुम जहां कहीं भी हो वट एवर यू आर तुम जो कुछ भी हो वॉट एवर और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गिव मी दिस लास्ट मोमेंट विद यू मुझे इस लम्हे का साथ दे दो इस आखिरी लम्हे का साथ दे दो दिस लास्ट मोमेंट ये आखिरी लम्हा माई बॉयज मेरे बच्चों एंड सोम चिप्स वॉज ए स्लीप और वो क्या है जल्दी चिप्स सो गया ही सीम टू बी सो पीसफुल वो इतना पुरसकून लग रहा था दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम टू से गुड नाइट कि उन्होंने उसे शब्बा बखैर कहने के लिए इसकी नींद में खलल ना डाला बट इन द मॉर्निंग लेकिन सुबह एज द स्कूल बेल फॉर ब्रेकफास्ट सुबह जब स्कूल की घंटी नाश्ते के लिए बजी ब्रुकफील्ड हैड द न्यूज तो ब्रुकफील्ड में यह खबर पहुंच चुकी थी ब्रुकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज ब्रुकफी कि ब्रुकफील्ड इसकी क्या है मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा सेट कार्टाइट कार्टाइट जो कि हेडमास्टर था उस वक्त उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए स्पीच टू द स्कूल क्या है स्कूल में तकरीर करते हुए उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए विच वाज़ एब्जर्व और ये अहमकाना बात थी बिकॉज क्योंकि ऑल थिंग्स आर फॉरगॉटन इन द एंड आखिर तमाम सब कुछ फूल जाता है तमाम बातों को बुला दिया जाता है बट एट एनी रेट लेकिन याद रखेगा और सुनाएगा क्या ये कहानी आई सेड क्या कहेगा वो क्या सुनाएगा आई सेड गुड बाय टू चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइट चिप्स के मरने से पहले मैंने रात को उसे अलविदा कहा था मैंने उस रात को उसे खुदा हाफिज कहा था विद दिस द नावल फिनिशेस इट्स द एंड ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चीफ्स नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सिनोनिम्स एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टिल देन अल्लाह हाफिज टेक केयर